शिकार करने के लिए गए तो राजा की बाण से उंगली कट गई। और जैसे ही उंगली कटी, मंत्री से पूछा, मंत्री तुम हर बात में ये कहते हो जो करता है भगवान अच्छा करता है, ये मेरी उंगली कट गई, क्या है भगवान ने अच्छा किया? बोले हाँ राजन, ये भगवान ने अच्छा किया। राजा को क्रोध आया, मेरी तो उंगली कट गई और ये कह रहा है कि अच्छा किया। राजा ने तुरंत उस मंत्री को नौकरी से निकाल दिया, सेवानिवृत्त कर दिया। और जैसे ही नौकरी से निकाला, सज्जन माता ध्यान दे, नौकरी से जब निकाल दिया, अगले दिन फिर राजा शिकार खेलने के लिए जाता है। उस दिन राजा उस जंगल में रात हो जाती है राजा को, तो राजा राह भटक जाता है। उस रात्रि को एक साधु के आश्रम में विश्राम करता है, वह अकेला है, मंत्री को तो नौकरी से निकाल दिया। सुबह भील जाति के कुछ लोग आते हैं, उनके ब्राह्मण ने यह कहा था सबसे पहले जो तुम्हें मिल जाए उसी की बलि चढ़ेगी, चाहे वो कोई भी हो। तो कोई और ना मिला, ये राजा मिल गया। और ये राजा मिला मेरे भक्तों, तो इस राजा को पकड़ लिया, बोले हमारे ब्राह्मण ने ये कहा है तुम्हारी बलि लगेगी, जो मिलेगा उस सबसे पहले उसकी बलि लगेगी, अब छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। अब राजा अकेला था, करता क्या था, मंत्री भी साथ नहीं है सज्जनों। राजा को ले जाया गया, स्नान करवाया, और जैसे ही तलवार निकाली, राजा को मारना चाहते थे, तब तक ब्राह्मण बोला देखो इसका कोई अंग भंग तो नहीं है। तो देखा राजा की उंगली कटी हुई थी, बोले छोड़ दो इसको, अंग भंग की बलि नहीं दी जाती है। तो बोलो अगर उंगली न कटती तो राजा की गर्दन उस दिन कट जाती, राजा दुनिया से विदा हो जाता। तो ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। फिर मंत्री को बुलाया, मंत्री तुमने ये कहा था ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है, मेरी उंगली कट गई, इससे मेरी गर्दन कटने को बच गई। तो आपके साथ में उस दिन जरूर होता, आप तो बच जाते क्योंकि आपकी उंगली कटी हुई है, लेकिन मेरी बलि लग जाती, मैं सही होता। इसलिए जो भगवान करता है वो अच्छा करता है। भगवान की लीला को कोई समझ नहीं पाया, भगवान की लीला को कोई जान नहीं पाया। आज तक हमने भगवान की लीला को नहीं जाना।